नहीं है ये तो। बस हम थोड़ा सा आइडिया है। चलिए समय तो हो गया है, बात शुरू कर लेते हैं, कोई जुड़ जाएगा तो ठीक है। स्वागत, जिसमें हम इसको एक हैंडबुक के रूप में हम किस तरह से इस शब्दावली को ला सकते हैं और उसके उपयोग के ऊपर बात कर सकते हैं, इसी सारे बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस परिचर्चा को। आजकल बहुत प्रचलित शब्द है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे आप कहते हैं और सिस्टम्स भी कह रहे हैं IKS कह के, और उसका उसके भीतर एक पक्ष है संस्कृत शास्त्रीय व्यवस्था की शब्दावली का निर्धारण, और वो शब्दावली का निर्धारण भी कैसे करना है जो अनुप्रयुक्त तो जो अप्लाइड हो, यानी कि जिसका हम उपयोग कर सकें, जो हमारे लिए सार्थक हो, उपयोगी हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे शब्दों को चुने। वो शब्द 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, वो हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। इसमें अब सीधे अब विषय की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सीमित है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इन व्याख्या में जा रहा, बाकी सवालों को जा रहा। तो जैसा कि उस गाइड बोथ द एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस विद इन इट आर अ रूटेडनेस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया एंड इट्स रिच डाइवर्स एंशियंट एंड मॉडर्न कल्चरल नॉलेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये इसमें बड़ा मुख्य उन्होंने बड़ा बल दिया हुआ है इस सारे विषय के ऊपर। और दूसरी बात जो वो बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा विषय हमने लिया है कि संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान व्यवस्था की शब्दावली, उसमें टेक्नोलॉजिकल नीड्स, इट्स इनिमिटेबल आर्टिस्टिक लैंग्वेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एथिक्स इन इंडियाज यंग पीपल इज कंसीडर्ड क्रिटिकल फॉर द पर्पस ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, ये पेज 4 के ऊपर उसमें कहा हुआ है। तो बहुत अधिक बल हमें ये देखने को मिलता है कि वो इंडियन सर बात कर रही है, सर वॉइस कट रही है बीच बीच में, बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम बनेगा कैसे? जी सर, ओके, अब ठीक है, मैं एक सेकंड दोबारा से इसको, ओके, थोड़ी हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये मुख्य बात है। तो इसको आप एक प्रोजेक्ट के रूप में समझें, और ये परिचर्चा प्रथम परिचर्चा है इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए, उसको आरंभ करने के लिए। और यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं कि जो इस सारे इशू को लेकर हैं कि जैसे कि वर्तमान नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में विश्वविद्यालय आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ज्ञान परंपरा को बदल दिया है क्या, या हम इसे समझते क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, उसका उपयोग कहां और कैसे करना है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं
जैसे कि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आदि आदि, जो शब्दावली आयोग हैं एक तरह के, जो शब्दों का संग्रह तो कर रहे हैं अंग्रेजी से अनुवाद करके, लेकिन वो कहीं पे भी प्रयोग नहीं आए। तो ये उसका सार क्या है, उसके तत्व कौन से हैं, उसकी विषय सामग्री क्या है, और फिर सबसे बड़ी वो जो शब्दावली आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी संगता और उपयोगिता क्या होगी। और फिर उसमें हमें यही ध्यान रखना होगा जब हम शब्दों को चुने कि ज्ञान परंपरा के शास्त्रीय पक्ष और लोक पक्ष का पारस्परिक संबंध, ये भी हमें ध्यान देना होगा। और फिर इसकी शब्दावली, अवधारणाएं, परिभाषाएं और व्यवस्थाएं, ये ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा करना इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ दो तीन बातें आपसे संक्षेप में कर लेता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यवस्था, शब्द उसका हम परंपरा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में IKS है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, लेकिन हैं तो वो सारी की सारी व्यवस्था किस पर आधारित होनी चाहिए, वो संस्कृत शास्त्रीय शब्दावली, लोक से भी लें बाकी अन्य भाषाओं से भी लें शब्द, लेकिन जहां तक संस्कृत की बात, है तो वहां पर उसकी शब्दावली कौन कौन से कैसे हो, और साथ ही साथ उस शब्दावली को जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखना है वो है कि उस शब्दावली के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, वुमेन स्टडीज, पोल साइंस, मैनेजमेंट, पब्लिक एड, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस, हिस्ट्री, आदि आदि, इन सारे विषयों को लेकर के उन शब्दावलियों को हम चुने और उनका प्रयोग करना हम सिखाएं, या प्रयोग करने के लिए हम उन वाक्यों को निर्धारित करें। जो सरकारी जो तंत्र है उसमें जो विभाग इससे जुड़े हुए हैं इस तरह की शब्दावलियों को बनाने में, वहां पे कहीं पे भी उनका उपयोग कराने को सिखा दे, इसलिए वो किताबी बन जाती है। अब इसमें ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम शब्दावलियों को चुनेंगे तो उसमें दो, एक तो जो श्रुति परंपरा है जिसमें बुद्ध्यर्थ जो है यानी कि बुद्धिगत अर्थ, आपके आनुभविक अर्थ, वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसका एक पक्ष है, और दूसरा है यज्ञ परंपरा जिसमें वस्तु अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, मैनेजमेंट हैं, उसमें यही दोनों बातें हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल शब्द क्या होंगे, किस तरह से उनका व्यवहार होगा, कैसे उनके अर्थ का निर्धारण होगा, और साथ ही साथ जब वस्तु अर्थ है तो उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे आप लागू करेंगे और कैसे जो है उसका समाधान करेंगे। जो दूसरा एक पक्ष हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम संस्कृत शास्त्रीय शब्दावलियों को चुनेंगे, वो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि चाहे हम 100 चुने, चाहे 50 चुने या 150 चुने, तो उसमें हमें उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, भारतीय संविधान और जो इंडस्ट्री है, उद्योग और व्यापार, बिजनेस, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ये उपयोग वहां पे जाकर हो, ये शब्दावली जो है इसका उपयोग वहां पर हो। तो कुल मिलाकर के ये बीच में कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मंत्र, देवता, ऋषि, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल धार्मिक शब्द हैं, लेकिन जब आप इनको इनकी व्याख्या करने लगेंगे संविधान और उद्योग और व्यापार के संदर्भ में, तो आपको लगेगा कि ये एक नई उसकी व्याख्या करते हैं और बड़ी सटीक और स्पष्ट व्याख्या करते हैं, लेकिन समस्या वही रहेगी कि हम इसको प्रयोग में लेकर के कैसे आए, और प्रयोग में ये तभी आएगा जब इसका निश्चित रूप से हम प्रयोग करने योग्य वाक्य देंगे और उनके संदर्भ स्पष्ट करेंगे। तो वो एक तरह का प्रशिक्षण कार्यशाला हमारी होगी, मैंने दे रखे हैं, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा। अब इसमें एक चीज और भी हमें ध्यान देनी होगी कि जब हम शब्दावली का निर्णय करेंगे, निश्चय करेंगे और उनके अर्थों को और उनके प्रयोग की विधि को, तो संस्कृत साहित्य शास्त्र में, परंपरा में, ज्ञान के चार स्तर होते हैं।
एक होता है आज्ञान, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है विज्ञान और चौथा है प्रज्ञान। आज्ञान है कि एक सामान्य परिचय आपका शब्द के साथ होता है, संज्ञान होता है कि उसका एक विशेष अर्थ आप ले लेते हैं कि आपको ध्यान होता है कि इसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, विज्ञान में उसका विशेष प्रयोग आप करना सीखते हैं कि उसका हमने प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, और फिर प्रज्ञान है कि जब आप उस शब्द का अनुभव कर लेते हैं वो आपकी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है आपकी चेतना का भाग बन जाता है। तो ये सब करते हुए जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं तो वो क्या होती हैं, जैसा कि परंपरा में बताया जाता है कि वो वैलिड मीन ऑफ नॉलेज जो है उस वो उसके क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफाई करना चाहिए। कि या तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो, अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो, एनालॉजी उपमान और वर्बल टेस्टिमनी से हो, और क्या उसमें एरर ना हो, उसमें हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट जिसे हम तर्क कहते हैं, स्मृति है, इन दोषों से भी उसको हम मुक्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक पृष्ठभूमि है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। अब ये जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसको इस तरह से करने का विचार है। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसको किस रूप में हमें करना चाहिए। मेरी जितनी सीमित बुद्धि थी मैंने उससे उस आधार पर इसको इस रूप में बनाया। शब्दों है, अर्थ है, अवच्छेद है, अवतार, अहंकार, आज्ञान, ये अभी मैंने जैसे कि प्रयोग किया, आत्मबोध, आत्मा, आश्रम, ये सारे शब्द हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर उसका रेफरेंस, फिर उसकी एटिमोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, और फिर उसकी एप्लीकेशन। जो मैं ये चाहता हूँ कि ये शब्द जब मैं अभ्युदय शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे उसकी एप्लीकेशन बतानी होगी कि मैनेजमेंट का व्यक्ति इकोनॉमिक्स का व्यक्ति सोशल साइंस का व्यक्ति इसको कैसे प्रयोग करे। जैसे कि अभ्युदय जो है वो किस अर्थ में आता है, उन्नति के अर्थ में आता है। तो उन्नति और विकास को रिप्लेस करते हुए, डेवलपमेंट को रिप्लेस करते हुए अगर हम अभ्युदय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका हमें वाक्य देना होगा जिससे कि वो इकोनॉमिक्स वाला भी प्रयोग कर सके, सोशियोलॉजी वालों के लिए अलग, सोशल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं सामाजिक, और साथ ही साथ आवाज कट के आ रही है, चलिए मैं अभी इस बात को पूरा कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपने को ज्वाइन करूंगा। लेकिन अभी आप इस बात को देखिए तो ये इस तरह से मेरा विचार है, लेकिन इस विचार को प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं, इसको संगत, सार्थक, उपयोगी कैसे बना सकते हैं और व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, ये सारा विषय है आज की परिचर्चा। दोबारा उम्मीद करता हूं अब मेरी आवाज क्लियर होगी। और जी तो आपके साथ मैं एक चीज अब शेयर करता हूं, उसको आप देखिए, उसको ध्यान में रख करके। तो चाहे हम ये निर्णय कर लें कि भाई हम लोग शब्दावली का पहले चुनाव करें, मुझे उम्मीद है आप ये सब देख पा रहे होंगे।
सर मेरी आपकी अब आवाज आवाज ब्रेक हो क्लियर रही है सर बार बार। है राहुल जी? मैं आज कोई और ऑप्शन देखता हूँ, मोबाइल के माध्यम से देखता हूँ, एक सेकेंड। अब ठीक है मेरी आवाज? जी सर अब ठीक से आ रही है। ओके, ये मोबाइल से ही करना पड़ेगा मुझे लगता है काम अब मुझे तो। चलिए, तो मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा था कि ये जो शब्दावली मैंने आपको दिखाई कि इस तरह से हम इस सारे विषय को आरंभ करेंगे, स्क्रीन चलेगी, तो इस तरह से इस सारे विषय को हमें, मुझे लगता है, लेने की आवश्यकता है कि हम कुछ शब्दों का पहले चुनाव कर लें जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस की दृष्टि से, और फिर उसके आधार पर हम उसके ये जो आगे के सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं ये हम ले सकते हैं, और धीरे धीरे जो है वो हम सारे विषय को जो है वो ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट के, जब वेबसाइट बन जाएगी, और वेबसाइट बनाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिखा वर्मा जो हैं एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना से जुड़ी हुई हैं, वो इस दायित्व को, वो और उनके जो मित्र हैं डॉक्टर मीनाक्षी, वो दोनों इस वेबसाइट का निर्माण करेंगी बहुत जल्दी ही, और ये सारा का सारा ऑनलाइन आ जाएगा, और फिर समय के साथ साथ जो है वो हम इसके एक बुकलेट जो है हरियाणा ग्रंथ अकादमी या संस्कृत अकादमी की ओर से भी प्रकाशित करवा लेंगे। तो अभी तो केवल इतनी योजना है कि आज हम कुछ शब्दों को निश्चित कर लें और फिर उनके प्रयोग के ऊपर बात करें, और ये भी देखें कि ये संभावना कितनी है कि इस तरह का विषय उपयोगी कितना है। तो सबसे पहले तो यही बात है, तो आप लोग अपनी राय मुझे दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अपने को अनम्यूट करके, या इसमें कुछ ऐड करना है, सब्स्ट्रैक्ट करना है, और इस प्रोजेक्ट में कोई अगर अपने दायित्व भी लेना चाहे तो उसका स्वागत है। तो फिर हम धीरे धीरे जब वेबसाइट बन जाएगी तो ऑफिशियली भी इन सारी चीजों को आप लोगों के साथ साझा कर लेंगे। तो कोई अपनी बात कुछ भी कहना चाहे तो आप लोग अपने साथ, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। रविंदर जी, सबसे पहले आप कहना चाहेंगे? नहीं सर, अनम्यूट करें अपने को, मुझे लगता है आज कुछ दिक्कत है यहाँ पे। जी अनम्यूट हो हाँ जी गया हाँ जी, अब आप अपनी, मैं निकल सर बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ जी कि भारतीय संविधान में जी हमें कोई विशेष संशोधन किए बिना सिर्फ व्याख्या के साथ जोड़ दें तो बहुत अच्छा हो। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम सुनिश्चित करेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय, जी केवल उसके लिए इतना ही यदि आप लिख दें कि भारतीय संविधान मत्स्य न्याय को निषेध करेगा, तब तो वो समझ में आएगी बात। ऐसे ही यदि आप फंडामेंटल राइट टू इक्वल समानता के अधिकार में जाते हैं तो जी आप क्यों नहीं वहां पर आप सम का प्रयोग करते। इसी जी प्रकार से यदि आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल में जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि लोक कल्याण की बात है, जी सर्व हित रता। तो जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर कि हमारे शास्त्रीय जो परंपराएं हैं जो जिसे आम आदमी समझता है उस शब्दावली को क्यों ना साथ में जोड़ दिया जाए। और वो मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवद गीता से या संस्कृत से ले हम, बल्कि उनके समानार्थी हाँ जो जी हाँ अन्य जी भाषाएं भी हमारी उनसे जोड़ा जाए। मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ। कभी कभी मुझे ये लगता है कि जैसे हमने ये जी संविधान विदेशियों के लिए बनाया है, और ये कहना कि हम नहीं समझेंगे ये कहना गलत। इंग्लिश कितने लोग समझते हैं, फिर उसकी हम अनुवाद गलत जी कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे,
क्योंकि मेरे को ज्यादा जल्दी आज क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये कार्य किया जा सकता है जिसमें हम संस्कृति की बजाय सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे अब ये बात में खत्म कर रहा हूँ, जैसे समदर्शी की बात आई सर, संविधान सभा में जब ये आया था कि वयस्क मताधिकार हो, तो अनेक पढ़े लिखों को दिया जाए, किसको दिया जाए, तो जब हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया उसका आधार समदर्शी मतलब थी, समदर्शी ना होना चाहिए, समान रूप से देखे जाएंगे, आधार तो है लेकिन हमने शब्दावली दूसरी प्रयोग कर दी। अब कितने लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए, फ्रेंचाइज का तो अर्थ नहीं पता हमें, लेकिन वो हमें ज्यादा प्रिय लगती है क्योंकि वो विदेशी भाषा है। दिक्कत ये है सर कि हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे होने का तभी मिलेगा आपको होगी, जिसका कोई संबंध भारतीय सामाजिक जीवन से नहीं है, तो इस पर काम किया जा सकता है। चूंकि मैं इस समय गाड़ी में बाहर जा रहा हूँ सर, इसलिए क्षमा चाहूंगा बात आपसे। ठीक है डॉक्टर साहब, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि ये क्या युक्ति संगत भी है या नहीं है, सबसे पहले तो यही देखने और समझने वाली बात है कि व्यवहारिक है कि नहीं है और इसका कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो शब्दावलियां बन रही हैं उनका मैंने व्यवहार प्रयोग तो कहीं देखा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर रूपिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रूपिका जी और उसके बाद डॉक्टर इंदु जी। नमस्कार सर, सभी को नमन। सर रविंद्र सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी जी, कि जैसे जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं या भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें सोशल साइंसेस का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर पहले की बात ना की जा चुकी हो। तो हमारे पास विचार भी है और शब्द भी हैं, तो शब्दावली बनाना हमारा एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, पर उन प्रत्ययों पर हम अपनी ही दृष्टि से लिखना क्यों ना शुरू करें। जी जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पे देखें तो कोने में उसका एप्लीकेशन एरिया बताना जरूरी है कि सोशल साइंस का व्यक्ति, चाहे वो सोशियोलॉजी का है, मैनेजमेंट का है, वो उस शब्द को कैसे प्रयोग करे। वो जब तक आप वाक्य नहीं देंगे और उसका संदर्भ नहीं बताएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हम एप्लीकेशन एरिया को दो भागों में बांट दें कि उस एक तरफ उसका संदर्भ और दूसरी तरफ जो है उसका वाक्य हम प्रयोग बताएं, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए वाले के लिए बताएं, चाहे सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स वाले। अब जैसे मैं अभ्युदय शब्द की आपसे पहले ही बात कर रहा था, तो अभ्युदय जो शब्द है वो विकास और ये उन्नति शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, डेवलपमेंट वगैरह, तो ये शब्द मुझे लगता है कि इस शब्द को अगर हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो हमें वो इकोनॉमिक्स वाले को बताना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की बजाय तुम अभ्युदय शब्द का प्रयोग करो, उन्नति की बजाय ये अभ्युदय शब्द। लेकिन उसके लिए आपको वाक्य बताना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दिस वर्ड। एक्चुअली सर जी जी बिल्कुल, ये शब्दावली निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट ही आती है कि जिस विषय की जरूरत होती है ना, उसमें शब्दावली और वाक्य प्रयोग की, उस विषय के एक्सपर्ट इस कार्य के साथ नहीं जुड़ते, एक तो ये। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर दूसरी बात ये है कि हमारी परंपरा में हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने कहीं एक्सपर्टीज नहीं की थी पर्यावरण पर या भौतिकी पर या गणित पर, लेकिन फिर भी उन्होंने इन विषयों पर बात की, तो हम एक पैरेलल अपने विचारों का प्रवाह जो है वो विषयों में बांधकर क्यों नहीं प्रस्तुत करते एक विकल्प के रूप में। हम फिर वही तकनीकी शब्दावली अयोग के ही चरण चिन्हों पर क्यों बढ़े कि पहले शब्दावली निर्माण करें, फिर ये साथ साथ चलता रहे, लेकिन जो उन विषयों को कर सकते हैं
उनको इस काम में थोड़ा सा वो आगे आए और उन विषयों, चाहे वो भौतिकी से संबंधित हो, चाहे वो रसायन शास्त्र से संबंधित हो, चाहे गणित सा, अभी तक तो कुछ लोग संकोच की वजह से भी इन विषयों को नहीं लेते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे विचार हैं। हाँ नहीं, बात ठीक है आपकी। और बल्कि मैं ये भी सोच रहा था कि हम कुछ मूलभूत शब्दावली बना लें, जैसे 50 शब्दों की ही चाहे बनाए हम, 50, 60, 100 की, और फिर उसमें जो जोर हो, जो कि CSTT से अलग होगा, वो है कि उस शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, कौन सा विषय वाला। अगर हम ये बना लें, फिर उसके बाद हम कार्यशाला लगा सकते हैं, फिर हम टीचर्स ट्रेनिंग जैसे होती है उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास शब्द नहीं होंगे और वो सोशल साइंसेस का कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, और साथ में उस सोशल साइंसेस में उसको उपयोग कैसे करना है, कि जो इकोनॉमिक्स का टीचर है वो अभ्युदय शब्द का प्रयोग कैसे करे, वो वाक्य अगर देंगे तो मुझे लगता है फिर ये मुख्य धारा में आने की संभावना ज्यादा है। जो तकनीकी शब्दावली आयोग वगैरह ये बना रहे हैं, वो इसीलिए उपयोग में नहीं आ रहे क्योंकि वो किताबें बंद होके रह रही हैं, केवल हमने अंग्रेजी का अनुवाद कर दिया है कि भाई ये हिंदी अनुवाद हो गया, तो वो उपयोग उसके बारे में कहीं नहीं है। जबकि उनसे ये आगे एक रिक्वेस्ट की थी कि इसमें आप ये एक जरूर ऐड करें कि इस शब्द का उपयोग कहाँ और कैसे होगा। तो चाहे हम कोई घटना दे दें, साथ में क्रम दे दें, थोड़ा सा मेहनत का काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का छोटा सा प्रयोग भी करें, चाहे 50 शब्दों के साथ करें, तो मुझे लगता है कि भाई ये शायद होगा युक्ति संगत। लेकिन फिर भी चलिए, अभी तो विचार शुरू कर रहे हैं तो आगे देखते हैं। जी इंदु जी, मैडम इंदु। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर बताने में आपके विषय को कितना छू पाऊंगी मुझे नहीं पता, है ना, या उस वहां के आसपास से होके निकल जाऊंगी। शब्द विषय मतलब शब्दों का नई नवीन शब्दों का सृजन, इसपे वैसे मैंने इस पे लिखी हुई तकनीकी भाषा में भी पुस्तकें पढ़ी है ना, जी जिसमें पूरे पूरे कंप्यूटर लैंग्वेज को संस्कृत में करके लिखा हुआ है ना, और दो तीन पुस्तकें हैं जो उसमें बनाई हुई है, और अन्य भाषा पे संस्कृत भाषा वाले लोगों ने लिख रखी है, जी तो हम उसमें से भी शायद देख सकते हैं, है ना। लेकिन यही है कि हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी को समझ में नहीं आता, दिक्कत ये है। तो इसके लिए तो कोई विशेषज्ञ और पांडुलिपि पढ़ने वाले ऐसे ही लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, है जी ना। जी और मतलब कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब लेकिन मैंने पढ़ी है, तकनीकी भाषा ही पढ़ी है, और जैसे भारतीय जो सभ्यता है, अगर हम ऋग्वेद से देखते हैं तो वहां से लिखे हुए ग्रंथ आते हैं, उनको आधुनिक भाषी लोगों ने भी लिखा है, और अच्छे से बड़े बड़े जो महापुरुष विद्वान हैं उनके लिए भी लिखा है, तो वहां पर काफी सारा भंडार है इन चीजों का, लेकिन सिर्फ समझने की जगह शेष है कि लोग उसको पकड़ सके, समझ सके, बस उसमें जी इतना विशाल जी शब्द भंडार है। और नवीन भाषा के हिसाब से तो तकनीकी भाषा ही अभी नवीन है, और जिसके लिए ना अब काफी सारे लोगों ने काम किया है। मैडम, मेरा ख्याल है कि ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ तकनीकी शब्दावली की बजाय एक ऐसी शब्दावली चुनना चाहते हैं जो कि सोशल साइंसेस के लोग, मैनेजमेंट के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के लोग जो हैं वो उसको प्रयोग करें। और ये थोड़ा सा, इस बात को मैं और एक पंक्ति जोड़ देता हूँ इसमें, कि संस्कृत के कुछ शब्द जो हैं, जो भी शब्द हैं, उनकी उनके कई सारे आयाम होते हैं, तो इसलिए वो सहज रूप में अलग अलग विषयों में प्रयोग हो जाएंगे। जैसे मैंने अभ्युदय शब्द ही आपसे बात की है, पहले शब्द पे हम तो अटक गए, या धर्म शब्द ले लीजिए, कर्म ले लीजिए, जो भी आप शब्द ले लें, अब उसका संरचना कुछ इस प्रकार की है, वो धातु पर आधारित है, और धातु पर आधारित होने के कारण चाहे वो इकोनॉमिक्स वाला उसको यूज कर ले, चाहे सोशियोलॉजी वाला कर ले, वुमेन स्टडीज वाला यूज कर ले, तो वो किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि वो शब्दावली मुख्य धारा में आए।
तो पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति जो है जब वो शब्द प्रयोग करे अभ्युदय, तो वो मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल साइंस में अपना एक विशेष स्थान रखे। सोशल जस्टिस, ये जिस तरह की शब्दावली है उसको हम रिप्लेस इन शब्दों से हम करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो फ्रीडम है तो फ्रीडम को हम स्वतंत्रता के साथ करें, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ही हम लोगों को नहीं पता होता, हम कुछ का कुछ ही कर देते हैं। वो हाँ जी, फ्रीडम और स्वतंत्रता एक चीज नहीं है। तो इस तरह के कुछ बातें हैं, लेकिन हम इस विचार को थोड़ा सा और ठोस करने की कोशिश करें और स्पष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन बात करना और हो जाता है, प्रैक्टिकली जब आप ऑफलाइन इस तरह के वर्कशॉप या मीटिंग करते हैं तो वो सहज थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए हाँ तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। जी इसकी जो शब्दों का निर्माण करने की जो पद्धतियां हैं, ऐसी पुस्तकें का अध्ययन और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और फिर उस पर ना शब्द निर्माण होकर उसका एक फिक्स अर्थ निकल जाए जो जो विद्वान कर गए। नहीं मैडम, हमें शब्दों का निर्माण नहीं करना है। शब्द हमारे पास हैं, केवल चुनने हैं। जो हमें करना है, जो हमारा हमने निर्माण करना है, वो केवल है एप्लीकेशन उसके, कि शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। जैसे मैंने कहा ना कि साइकोलॉजी का व्यक्ति वो कैसे प्रयोग करे किसी भी संस्कृत के शब्द का, अब व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग कैसे करे वो, या वो और किसी शब्द का कैसे प्रयोग करे, व्यवहार शब्द का। लेकिन साइकोलॉजी में वो हालांकि पढ़ाते व्यवहार ही है, लेकिन व्यवहार शब्द का, मानवीय व्यवहार शब्द वो प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर जी शब्द तो प्रयोग कर लेंगे, लेकिन मानवीय व्यवहार शब्द का प्रयोग कहेंगे तो वो नहीं, वो कर पाते, सहज नहीं है। तो ये मतलब मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ मिलके यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस विषय को हम समझें। हो सकता है ये विषय अनुपयोगी हो, लेकिन अगर हम ठीक से समझ पाए तो मुझे लगता है कि ये एक नई दिशा इस निर्धारित कर सकता है। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भी 50, 60, 100 शब्दों तक ही हम रुकें, हम ज्यादा शब्दों को ना चुने, हम उन शब्दों को चुने जो हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो और फिर उसका हम प्रयोग करना बताएं कि प्रयोग कैसे करना है। जैसे हम सामान्य भाषा में करते ही है ना कि भाई अच्छे कर्म किया करो। अब वो कर्म शब्द को आप एक मॉरल सेंस में तो ले जाते हैं, लेकिन वही कर्म जो है वो सोशियोलॉजिस्ट कैसे समाज के कर्मों को निर्धारित करता है, वही साइकोलॉजी में वो कर्म कैसे आप लेंगे, वही कर्म जो है इकोनॉमिक्स में कैसे बनेगा। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग संदर्भ हम दें और उनका उपयोग करना सिखाएं। तो उसके लिए हमें वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये मतलब अप्रोच करने की जरूरत है, इस तरह से इस विषय को अग्रसर करने की जरूरत है। शब्द हैं, लेकिन शब्दों को हमें अग्रसर करना होगा, ये है धन्यवाद। जी। सदानंद जी, नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार सर्वेशम। नमस्ते। द संस्कृत वर्ड्स आर सो प्रेग्नेंट विथ मीनिंग, एंड व्हेन इट इज जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉजिकल सीक्वेंशियल सेंटेंसेस टू कन्वे द मूड एंड द एक्टिविटी, द मूड, द कोग्निटिव मेकअप ऑफ इंडिविजुअल्स हुम वी नो वेरी वेल इन द नियर बाई प्लेसेस एंड ऑल्सो इन द लिटरेचर। दोज रिटन इन संस्कृत, इट हैज कन्वेड सफिशियंट एंड मोर मीनिंग टू एवरीबडी फॉर सेंचुरीज टुगेदर। नाउ टू साइट सर्टन वर्क्स विच आर वेरी कार्डिनल इन अवर भारतीय लिटरेचर, इट इज रिटन इनिशियली द ओरिजिनल लैंग्वेज इज संस्कृत एंड द ऑदर्स आर वेरी वेरी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन अवर कंट्री एंड अवर स्टेट और अवर रीजियन,
I would like to bring to your notice certain very important works. Ji. One is Chindavishtayaya Sita. Sita ji is sitting under a flowering tree, very deeply thinking about the separation that has happened. And and that description by the poet Chindavishtayaya Sita, even if it is written in Malayalam, it is Sanskritized Malayalam. Sanskrit words are there, 30% to 40% are Sanskrit words. Yeah. It is pronounced differently, a little differently in Malayalam, but anybody who understands Sanskrit can understand this also. Some of these, some lines I can quote. Sudharma Muniyod Ayodhyayil Gadarayar Alavannarandiyil Adichinda Vahichu Sita Poi സ്ഥിതി ചെയ്താളു ഉടയാന്തവാടിയിൽ അരിയോരണി പന്തലായി സഖിക്കൊരു വിശാഖ തീർത്ഥശാഖകൾ ഹരിനീല തൃണങ്ങൾ കീഴിരുന്ന അരുളും പട്ടു വിരിപ്പുമായിടു. ദിസ് പിക്ചർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പെയിന്റേഴ്സ് ക്യാൻവാസ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത. Sitaji deeply in thought under a flowering tree in the foresty areas of those days. Then coming to two grief reactions at two extremes of ages written by eminent sages. One is none other than Kaladi Adi Shankaracharya, Madhra Panchakam. The other one is Jnanapana. Jnanapana written by Poondanam Krishnan Nambudiri. I would like to tell you that I am proud that I am coming from the district where Jnanapana is written by Poondanam Krishnan Nambudiri in his birthplace called Village Poondanam. Mm-hmm. Recently, I had visited that place, and it is so interesting that some of the old materials are still preserved in that place. Now, what are these two poetic work? Jnanapana is because of the demise of his son. The poet Poondanam Krishnan Nambudiri is depressed, and he is bringing out a poetic work which reveals his not only his grief but also bhakti for Lord Krishna and how he managed the situation. It is almost equivalent of Suradas ji whatever bhakti movement he has practiced and promulgated and spread during those days. Coming to Jnanapana, the grief reaction because of the demise of the mother, the biological mother. She said, this juncture, Kaladi Shankaracharya becomes emotional. Mm-hmm. So these words used are so measured, so much deeply touching, and so much helping those who can understand in undergoing their own grief reaction due to their own separations from near and dear and valuable things. So I think that Sanskrit words are really more than helpful to convey the meaning of the mood, the meaning of the cognitive makeup, and also the context in which people have lived. There are many, many sociological studies of sociological study. It is not only in the ancient period but also recently sociological studies of the characters of literature, sociological study of novels, poems, short stories,
travelogues, etc., written in not only Sanskrit but also in other South Indian languages. One example I will tell you, all of you might have heard about the contemporary author M.T. Vasudevan Nair. There is a short story written by him by the name Alkootathil Thaniye. No psychologist will be able to describe the mental makeup of a subnormal, intellectually subnormal child and his suffering and his interaction with the other family members and society. The meaning conveyed is really interesting. So I feel that the shabdom, that is the words which are making the sentences and making the poetry, making the novel, making the short story, it is very, very pregnant with meaning, much more than any other language. And they are very brief. They are to the point, concise and precise, and conveys the same meaning. What exactly? It is a reflection of the context. It's a reflection of the mental makeup, the mood, and also the cognitive makeup of the characters. Thank you very much, sir. Thank you. मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि संस्कृत की शब्दावली बड़ी सार्थक और सशक्त है, सामर्थ्यशाली है। अब यहाँ पे यही कठिनाई है डॉक्टर साहब कि किस तरह से हम इन शब्दों को चुने। मैं दोबारा से अपनी बात को आप लोगों के लिए स्पष्ट करता हूँ कि हम यहाँ पे जो काम करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम एक तरह की कार्यशाला में बातचीत कर रहे हैं कि संस्कृत शास्त्रीय शब्दावली के कुछ ऐसे शब्दों को हम चुने, 50 शब्द हो, 60 शब्द हो, 70 शब्द हो, लेकिन उन शब्दों को हम इस अर्थ में चुने कि वो साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, जितने भी सोशल साइंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वो प्रयोग में आ सकें। यानी कि उनको पढ़ाने वाले, उनका व्यवहार करने वाले लोग इस संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करें। लेकिन वो कैसे करेंगे, उसी के लिए वो आगे की मैंने बात रखी थी कि हम उस शब्द की एप्लीकेशन जो है वो कैसे होगी, उसके उदाहरण बताएं। वो एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी हैं कि देखो, जब तुम व्यवहार में इस तरह की बात करोगे, कोर्ट में इस तरह की बात करोगे, तो इस तरह से तुम शब्द का प्रयोग करोगे। साइकोलॉजी वाला जो है वो इस तरह से बातचीत जो है अपने लेक्चर में, अपने बातचीत में संस्कृत के शब्दों को प्रयोग में लाएगा। तो मुझे लगता है तभी वो बात सफल होगी, सार्थक होगी। अन्यथा केवल सिर्फ शब्दों को चुनना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। शब्दों को केवल इसलिए चुनना है ताकि वो सोशल साइंसेस के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, लॉ के लोग, मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो उसको चुने। अब मैं कहता हूँ कि जैसे आप प्रबंधन शब्द को ही चुन लें, लेकिन प्रबंधन शब्द का प्रयोग कैसे करना है ये हमें बताना होगा। तो जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो तभी उसका उपयोग करेगा जब वो इस बात से कन्विंस होगा, इस बात से वो सहमत होगा कि भाई ये शब्द जो है उचित है। एक बात का हम ध्यान रखें कि अंग्रेजी की शब्दावली और संस्कृत की शब्दावली में बहुत मूलभूत अंतर है। वहां पर 1:1 की रेशो में चलते हैं शब्द अंग्रेजी में, और संस्कृत में एक ही शब्द जो है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त तो हो सकता है। तो कुछ बातें हमें ध्यान देनी होंगी, लेकिन चलिए, विचार मंथन इसीलिए होता है कि हम थोड़ा सा बात को स्पष्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा मेहनत लगेगी, मस्तिष्क पे भार भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही होता है। जब विचार करना होता है तो विचार समान धरातल होने के बावजूद हमें एक दूसरे की बात समझना जो है वो कठिन होता है। तो मैडम रूपिका शायद दोबारा कुछ कहना चाह रही हैं, टिप्पणी करना चाह रही हैं। सर, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ, जिस तरह से आप उसको कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे
ये पूछना चाहूंगी कि जो सालों से जिन्होंने पढ़ा भी उसी शब्दावली में है जी, और जो उन विषयों की प्रैक्टिस भी उसी भाषा में कर रहे हैं जी, तो वो उसको क्यों बदलेंगे, जबकि हमारे लिए ही अपनी भाषा जिससे हम प्यार करते हैं और थोड़ा बहुत हम दूसरों से शायद कुछ परसेंट ज्यादा जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम सामान्य व्यवहार में या अपने विषय में भी कई बार दूसरों के सुख और सुविधा के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मेरे, मैं शायद पहले अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाई, मैं आपको इसलिए मैंने दोबारा डिस्टर्ब किया कि मैं, मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि जो विषय सोशल साइंसेस के एक उनको पश्चिमी विमर्श के तौर पर मान्यता मिली हुई है, अब ये स्थापित हो चुका है और लोगों को समझ आ चुका है कि जिस सामाजिक अभ्युदय और लोक कल्याण की दृष्टि को वो क्लेम करते हैं उसके लिए वो इनकॉम्पिटेंट है जी। और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शास्त्रों में वो हजारों साल पहले पूर्ण रूपेण स्थापित है और पूरा विश्व अब उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी महत्ता को समझ भी रहा है। तो हम उनको समझाने की बजाय हम एक पैरेलल विचार थोड़े अपनी भाषा में जो सामान्य लोगों की समझ में आए, हम उन कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे विषयों में, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो आलेख हो, हम उनमें देना क्यों ना शुरू करें। अगर उनके, ये एक अच्छा विचार है आपका, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। शायद मैं एक बार आपकी बात को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम कुछ शब्दों को, जैसे वेलबींग इकोनॉमिक्स है उदाहरण के तौर पे हम करते हैं बात, वेलबींग इकोनॉमिक्स की बात होती है तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं मंगल या कल्याण या निश्रेयस। तो निश्रेयस का जो, निश्रेयस शब्द जो है इकोनॉमिक्स, वेलबींग इकोनॉमिक्स जो है, अब उसको हम शब्द प्रयोग करने की बजाय हम उसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख दें, चाहे कहानी के रूप में, चाहे उसकी व्याख्या के रूप में जी। इस तरह की बात कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, क्योंकि जो विषयों को पढ़ा रहे हैं और जिनको उन्होंने पढ़ाना है उन सब में ये चेंज नहीं आ सकता, ये पैरेलल एक काम हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये व्यवहारिक तौर पर कुछ चीजें जब सामने आएंगी, जैसे रामायण, रामचरितमानस या रामायण किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब उसको बनाया तो उससे सभी प्रेरित होते हैं। प्रेरित तो होते हैं, लेकिन वो हमारी जो मुख्य धारा है शिक्षा की, उसमें वो चीजें नहीं आ रही, उससे पता नहीं लोग संकोच क्यों करते हैं। और ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी, जब आप बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स के लोग या सोशल साइंसेस के लोग जब अंग्रेजी वाले शब्दावली से पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, और जिस तरह की उनकी वृत्ति बन चुकी है, कंडीशनिंग हो चुकी है, वो क्यों ये प्रयोग करेंगे, उसके लिए मेरे दो तर्क हैं। एक तो ये तर्क है कि जब वो पढ़ाते हैं तो सारे के सारे कोई अंग्रेजी में तो पढ़ाते नहीं, शब्दावली जरूर प्रयोग कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे होते हैं, पंजाबी में, हिंदी में, वो अपनी आम भाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, शब्दावली वो प्रयोग करेंगे। तो इकोनॉमिक्स वाला वेलबींग इकोनॉमिक्स की तो बात करेगा, डिमांड सप्लाई की बात करेगा, लेकिन वो कभी भी हिंदी के शब्द को प्रयोग नहीं करेगा कि मंगल जो है वो अर्थव्यवस्था है, या मंगलकारी होनी चाहिए अर्थव्यवस्था, या आर्थिक चिंतन ऐसा होना चाहिए। तो हम कोशिश करके उसके बाद अगर हम पहले अपने में स्पष्ट हो जाएं, फिर हम ये प्रयास करें कि हम एक कार्यशाला आयोजित करें सोशल साइंटिस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा। और ये बात ठीक है आपकी, आपने ये जो कहा है कि हम शब्दावली चुन के उसके ऊपर एक नोट बना दें, चाहे 50-60 शब्दों का बना लें, तो वो एप्लीकेशन शब्द जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसमें जो है वो हम उसके ऊपर नोट लिखते हैं। बात लगभग वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल आपने उसको दे दिया है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के इसको दोबारा से फॉर्मेट इसका बनाता हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि जैसे ये अभ्युदय शब्द हमने लिखा है तो इस एप्लीकेशन के दो भाग कर दें, एक तो यहाँ पे आ जाए इसका संदर्भ
और फिर उसके बाद आ जाए इकोनॉमिक्स वाला, इसको कैसे यूज करेगा, साइकोलॉजी में कैसे यूज करेगा, या बाकी जगह पे ये कैसे प्रयोग में आएगा। सर मैं बोल सकती हूँ एक मिनट? हाँ 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 प्लीज। सर जैसे आपने कहा कि वो सारा अंग्रेजी में नहीं बोलते, लेकिन मैं ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि जो वो पढ़ाते हैं जी और जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जो हम बच्चों में जो शिक्षा के माध्यम से जो मैसेज अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का देना चाहते हैं, जिस तरह से जिस वो विषयों को पढ़ा रहे हैं, वो उसमें संभव ही नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर हम उनको ये शब्दावली सिखा भी दें तो वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट में इस मैसेज का समाहार नहीं हो सकता, वो उसमें अनुस्यूत नहीं हो सकता, मुझे ऐसा ओके लगता। अच्छा चलिए, मतलब ये तो सारा विषय जो है वो संभावना दोष में चला गया। ठीक है, नहीं ये ठीक है, ये चुनौती तो है ही है कि वो क्यों प्रयोग करेंगे और क्यों इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और क्यों वो एक अतिरिक्त जो है वो मेहनत करें इस सारे के लिए। ठीक है, बात है, लेकिन हम लोग चलो जो हमारे लिए संभव है, अगर हम इतने पे भी रुकें कि हम 40-50 शब्दों को चुन लें और उनके ऊपर टिप्पणियां लिखें, लेकिन लिखें वही कि सोशियोलॉजी के एंगल से और साइकोलॉजी और बाकी जितने विषय मैंने आप लोगों के साथ साझे किए हैं, है ना, तो एनवायरनमेंट के एंगल से, साइकोलॉजी, पब्लिक एड के एंगल से। अब धर्म शब्द है, हम धर्म शब्द का कोई सोशल साइंटिस्ट यूज नहीं करता, जबकि पब्लिक एड में धर्म ही तो है, राजधर्म शब्द है, लेकिन हम वो प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी धर्म जो है वो, अगर आप एथिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो धर्म ही है जिसकी वजह से आप जो है एथिकल इकोनॉमिक्स सारी की सारी उसी के ऊपर खड़े हैं। और भी बहुत सारे विषय हैं, वो थोड़ा सा देखना और सोचना और समझना पड़ेगा, तो ये इसीलिए ये सारी की सारी चर्चा है। तो खैर एनीवे, बात आपकी ठीक है और मैं सहमत भी हूँ आपकी बात से, बिल्कुल इसको देखते हैं कि कैसे दोबारा से इसको रीफॉर्मेट में करने की कोशिश करता हूँ। तो और किसी का कोई विचार है, कोई और इस सारे विषय पर टिप्पणी करना चाहता हो तो हम उसको ले लेते हैं। किसी का कोई इस सारे विषय के ऊपर कोई विचार हो कि इस वाक्य, इस सारे जो उपक्रम है, इस सारे उपक्रम का कोई लाभ हो सकता है निकट भविष्य में और इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं या किस तरह से? राहुल जी आप, क्योंकि आपने खुद ही ये नमस्कार सर हुआ है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। विषय बहुत अच्छा चुना है आपने सर, और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और जो विषय जैसे कि आपने बताया कि हम एक ही शब्द को अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसको कैसे प्रयोग करें, जैसे सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में, तो दरअसल इस तरह की जो हम जब संस्कृत की डिक्शनरीज को रेफर करते हैं तो उसमें सारे अर्थ दिए गए हैं। अब जैसे आप अभ्युदय ही बोला है, तो अभ्युदय का अर्थ, एक अर्थ होता है सूर्य आदि ग्रहों का उदय, दूसरा अर्थ उसमें दिया है कि प्रादुर्भाव, तीसरा अर्थ दिया है इष्टलाभ दिया है, मनोरथ की सिद्धि दिया है, चौथा भी अर्थ दिया है विवाह आदि के और शुभ अवसर पर, ठीक है, इसके बाद वृद्धि दिया है, बढ़ोतरी दिया है, उन्नति दिया है, तरक्की दिया है, उसके बाद में अस्तित्व में आना या फिर आविर्भाव होना। अब ये छह अर्थ जो है ये दिए गए हैं, और जो आपने फॉर्मेट बनाया है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका क्या बोलते हैं रेफरेंस, इसका एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, मीनिंग और एप्लीकेशन, तो यदि हम इसके पर्यायवाची शब्दों को थोड़ा सा विचार करें तो सारे शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कर्म शब्द वहाँ पे आता है, गीता में भी आता है, संस्कृत का है, तो उसी कर्म को आप फिजिक्स में देखेंगे तो एक्शन के लिए वही कर्म का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अर्थ भिन्न है। लेकिन व्युत्पत्ति पर अर्थ यदि आप देखेंगे तो गहराई में जाने के बाद में एक मूल अर्थ जो है वो समान मिलेगा। तो कर धातु से किया गया, अर्थात हम धातु से जो करते हैं वो कार्य, कार्य से किए हुए बाद में उसका विकास, विकास होते हुए एक्शन तक गया है,
थोड़ा एक्चुअली समस्या क्या हो गई है, आपने थोड़ा हम थोड़ा समय हालांकि हमने इस पर थोड़ा कल विचार किया था, थोड़ा राजभाषा से जुड़े हुए लोग भी इसमें और जुड़ जाते हैं जो इसका दैनिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में सारी चीजें काम आती है जो आप बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा उपक्रम है आपका और सार्थक भी होगा, लेकिन थोड़ा क्या है इस पर काम नहीं होने के कारण हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने इस तरह का एक किया था, एक केंद्रीय अच्छा हिंदी निदेशालय ने इस पर एक काम भी किया है, उन्होंने भारतीय भाषा कोश बनाया है। अच्छा उस भारतीय भाषा कोश में एक ही शब्द है संस्कृत का, उसे संस्कृत के या फिर अंग्रेजी के एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में क्या क्या बोला गया है वो दिखता है, और उसमें अर्थगत साम्यता भी है और अर्थगत भिन्नता को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है। तो हम इसको कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा समय लगेगा। देखते हैं कि जी जो शब्द आपने दिए हैं, हमारा होमवर्क तो फिलहाल यही होगा कि आपने जो शब्द दिए हैं उनका हम 3-4 दिन में आपको उसका जो फॉर्मेट आपने हमको भेजा है खाली वो हम आपको भरकर भेज सकते हैं क्या नहीं। यदि जी हम जी उन्हें भरकर मैं भेज सकने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी मैं आपके साथ ये साझा कर दूंगा ये फॉर्मेट, और इतना ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अर्थ तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन सबसे कठिन जो बात है वो यही है कि एप्लीकेशन कैसे हो, क्योंकि हम उन शब्दों को एक विशेष संदर्भ में और एक विशेष प्रकार से ही प्रयोग करने के आदि हो गए हैं। तो धर्म है कर्म शब्द जैसे आपने प्रयोग कर दिया, अब ये शब्द ऐसे हैं हम इनको किसी और ही संदर्भ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि सोशल साइंसेस वाले इन शब्दों का प्रयोग करें उपयोग करें, तो वो करेंगे तो सोच भी बदलेगी सारा व्यवहार भी बदलेगा, ये ही कठिनाई है, लेकिन उसके लिए हमें पहले तैयार होना पड़ेगा जैसे कि आप कह रहे हैं। इसमें क्या हुआ है उसका थोड़ा स्पष्टीकरण, जैसा लास्ट में आपने एक थोड़ा सा हम कर सकते हैं, एक लास्ट में एक कॉलम जोड़ सकते हैं स्पष्टीकरण वाला या फिर डेफिनेशन या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। वो उसमें हुआ क्या है कि वो अर्थ संकोच हुआ है इन शब्दों का, जैसे मैं कर्म बोलता हूँ वो कर्म वो सिर्फ आज के सेंस में क्या संस्कृत की जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है, एक ही शब्द के आपको हजार हजार डेफिनेशन हजार हजार अर्थ भी मिल रहे हैं, 100-100 अर्थ मिल रहे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि उनके अर्थ अर्थ संकोच हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृत डिक्शनरी है उसमें लाखों शब्द है और जो हिंदी की डिक्शनरी है उसमें कम कम होते गए और अंग्रेजी में उससे भी बहुत कम है। ये अंग्रेजी ने क्या कर लिया कि इसको अपने काम का जितना है वो ले लिया और बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी रखा हुआ है उसका भी हम उपयोग ना करें। जैसे आपने ये शब्द बताए हैं अभी में, इसमें राइजिंग भी होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है, कई सारे इसके अर्थ आए और ये बहुत अच्छा उपयोग है। अब जैसे कि अर्थ ही शब्द दे दीजिए, अर्थ शब्द का एक अर्थ होता है लिखने में भी लिपि में भी इकोनॉमी में प्रयोग होता है और भाषा विज्ञान में मीनिंग के अर्थ में भी होता है, दोनों का ही अपना अपने का अस्तित्व है और एक महत्व है, लेकिन समस्या क्या है इस पर ज्यादा कोई सोचता नहीं है। अब जैसे अवतार है, अवतार का सामान्य शब्द लिया जाता है कि आध्यात्मिक अर्थ में लिया जाता है जैसे विष्णु के अवतार है, लेकिन अवतरित होना या फिर वो प्रकट होना या फिर अभिविद्यम से व्यवहार में आ जाना जब तक था लेकिन अदृश्य रूप में था वहां पे भी वो अवतार शब्द का प्रयोग है, आप उसको सोशियोलॉजी में भी डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल अवतार है जिसका मतलब वो सिर्फ रिलीजन में उसमें प्रयोग होगा ऐसा नहीं है। दूसरा एक आपने लिया है अहंकार, तो अहंकार शब्द जो है हम आमतौर पर जो ईगो शब्द है अंग्रेजी का ईगो संकुचित हो गया है, अहंकार की परिभाषा बहुत बड़ी है, अहंकार पॉजिटिव और निगेटिव में होना चाहिए, जैसे कि अहंकार होना अच्छी भी बात है और अहंकार अति अहंकार होना बुरी भी बात है, तो वो भाषागत जैसे दूसरी भाषा में जाएंगे अहंकार में तो उसका मीनिंग भी दूसरा निकाल लेगा। तो बहुत इसको थोड़ा हम थोड़ा हमें समय दीजिए, हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन करके आपको भेजेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा। जी जी हाँ मैं चाहता हूँ कि इसको हम एक प्रोजेक्ट के रूप में लें और पूरा इसका चाहे 50 शब्द ही निर्धारित करें, लेकिन बस उसको हम सारे विषयों में प्रयोग करने के जो संभावनाएं है या तरीका है उससे हम एक उसका एक पैम्फलेट ही निकालें। मैं कहता हूँ चलिए हैंडबुक भी ना निकालें, हम एक पैम्फलेट ही निकालें कि भाई ये 50 शब्द हैं, इन 50 शब्दों का इस तरह से सोशियोलॉजी में ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट में सब जगह प्रयोग हो सकता है,
तो कुल मिलाकर के इतने अगर इतना भी हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत हो सकती है, फिर उसके बाद हम और कार्य को अग्रसर कर पाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम 50 शब्द ही चुनते हैं और फिर उस 50 शब्दों का इस तरह से व्यवहारिक उपयोग लिख करके और फिर हम उसका एक बुकलेट निकालते हैं, देखते हैं उसको। जी, और किसी की कोई बात, अपनी बात कहना चाहे? डॉक्टर जयप्रकाश जी, डॉक्टर पीयूष, आप लोग अपनी कोई बात कहना चाहें इस सारे विषय पे? तो कुल मैं थोड़ा विलंब मिला, से, मैं क्योंकि जुड़ा हाँ नहीं, जी सभी को जी नमन, तो मैं पूरा विषय सुन नहीं पाया हूँ, किंतु हाँ ये निश्चित है, मैंने आपका वो जो नोटिस है वो देखा था, और उसमें जिन शब्दों को देखा था उनके अर्थों को विभिन्न रूपों में व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना, ये निश्चित रूप से एक अच्छा आपने प्रकल्प लिया है, और इस पर काम होना चाहिए। और जो भाषा के विशेष रूप से विद्वान हैं, विदुषियां हैं, वो इस पर अधिक जो है स्पष्टता से काम कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि शब्द से ही सारा जो हमारा व्यवहार है वो चलता है, जी जी और इसीलिए मुझे लगता है शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया। तो और मेरा भी आग्रह रहता है शब्दों का बिल्कुल सटीक प्रयोग हो, ऐसा मेरा प्रयास सदैव रहता है लिखते हुए भी और बोलते हुए भी। तो आपको साधुवाद है, आपने ये प्रकल्प लिया, बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार। जी मुझे लगता है कि हम इस बात पे थोड़ा सा निश्चित हो जाएं कि भाई हम 50 शब्दों को चुनते हैं और उनका प्रयोग विभिन्न जो समाज विज्ञान है उनमें वो कैसे कैसे प्रयोग हो सकते हैं, इसके ऊपर हम संक्षिप्त सी टिप्पणियां लिख करके उसको एक छोटी सी जो पुस्तिका के रूप में निकालते हैं। सदानंद बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा। ठीक है सर, जी I was just recollecting the work done by D.D. Kosambi, The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline. And in that, he is wondering how such a great culture, Indus Valley Civilization, Mohenjo-daro, how did it disappear without leaving much of trace? And we have to really hunt around, excavate and find out. While such discussions are going on in eminent people's works like that of Damodar Kosambi's, we also should understand the contemporary phenomena which is going on, especially in the tribal areas where the languages are getting lost. For example, Andaman Nicobar Islands. सर वो तो बहुत एंड बड़ा प्रोजेक्ट है, नो वी शुड स्टिक टू ओनली लाइक दैट, हाउ डिड सच ए ग्रेट लैंग्वेज संस्कृत, हाउ इट वाज नेगलेक्टेड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी हैव टू रियली रीथिंक अबाउट इट एंड रीबिल्ड इट। राइट राइट, यस दिस इज अ रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीबिल्डिंग। बिल्कुल, सो आई थिंक जी राहुल जी आपका कमेंट लेकर के फिर उसके बाद। आशुतोष जी, ये दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट विद द 50 शब्द विद इट्स एक्सप्लेनेशन एस ए मैनुअल, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द नॉट ओनली सोशल साइंटिस्ट बट आल्सो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एक्सेट्रा। जी चलिए, आई विल वर्क ऑन इट, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो आप सर्कल में सारा देख रहे हैं इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कुछ 50 शब्द अधिकतम हम चुनते हैं और उनके ऊपर ही हम लिखते हैं, और मैं ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी तरफ से भी
दो शब्द, चार शब्द, छह शब्द, जो भी आप चुनना चाहें या करना चाहें वो आप ले सकें। जी राहुल जी। सर इसे गूगल फॉर्म में बना सकते हैं आप, एडिटेबल बना फॉर्मेट में, दूंगा। जी और जी बना दूंगा। हाँ, तो उसमें क्या है, कोई भी हम डाटा फीड कर दे तो अपने आप आपके पास सेव होता जाएगा सब। जी, वो मैं कर दूंगा, ये वो मैं शेयर कर दूंगा। जी ठीक है। नवल जी आप कुछ कहना चाहेंगे या किसी और की कोई टिप्पणी अगर है तो वो कर लें, नहीं तो हम आज के इस कार्यक्रम को सर जी हाँ, जी सर, मैडम कि सर प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी ये विषय थे, है ना, और उस समय भी ये पढ़ाए जाते थे। जैसे आयुर्वेद है वो डॉक्टरी थी, और इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी जो संस्कृत में थी, उसकी बाकायदा उसके नाप जोख लिखे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त है ना मनोरोग मनोविज्ञान के लिए भी वहां पर एक आध्यात्मिक कह लो या सांख्यिकी कह लो, उसमें भी शब्द हैं, पूरे पूरे शास्त्र लिखे हुए हैं। तो क्या इनकी मदद हम नहीं ले सकते और इन शब्दों नहीं, को वापस ले सकते। नहीं, लेने ही पड़ेंगे। आप वही देखिए ना, जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप अपना घर गृहस्थी चलाते हैं तो शब्दावली तो आपकी वही रहती है, संस्कृत की परंपरा में वही शब्दावली है, लेकिन वो सब जगह प्रयुक्त हो रही है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो अंग्रेजी और कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से, औपनिवेशिकता की वजह से हमने अलग अलग कर दिया सब कुछ। तो वो क्या और उससे उससे हमारे हमारे व्यक्तित्व में विखंडन हुआ, हमारे व्यवहार में विकृतियां आई, ये उस वजह से हुआ। तो एक बार हम दोबारा से इन शब्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो मैं एक फॉर्म बना करके और ये सारे विषय लिख करके, और जो भी आप लोगों की ओर से जो शब्द होंगे वो आप अपनी ओर से सुझाव दे सकते हैं, मैं फॉर्म आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, और टिप्पणी जैसे भी जो भी आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं। जी जयप्रकाश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक तो आपको जैसा ध्यान में होगा, मैं भागवत का पाठ कर रहा था कुछ। समय से कुछ महीने हो गए, आज उसको संपन्न किया है। अरे तो बड़े शुभ दिन आपने उसको संपन्न किया है, पूर्ण किया तो है। उसमें तो साधुवाद की बात है, जैसे हम जानते हैं कि सुखदेव ने परीक्षा को उसके अंतिम अध्याय में उन्होंने भागवत या कृष्ण कथा के श्रोताओं की दो श्रेणियां बताई, प्रवर और अवर, उत्तम और अधम। प्रवर में उन्होंने बताया है चातक जी जी शुक और मीन चार प्रकार के बनाए हैं बताए हैं। और इसमें जो उन्होंने बताया है कि शुक जैसे शुक जो है वो केवल तोते को ना ग्रहण करके शुक एक प्रवर श्रेणी का श्रोता है, और शुक उसे कहा जाता है जो कथावाचक। ये इन्होंने मतलब जिस प्रकार से शुक का सामान्य जो हम अर्थ लेते हैं वो तोता लेते हैं, किंतु यहाँ पर जो सुखदेव हैं इसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुखदेव कोई किसी पत्नी के रूप में ग्रहण न करके और वो एक उत्तम प्रकार का श्रोता है जो आगे उसको और भी अच्छे तरीके से जी उसको आगे ठीक है। तो मतलब जब आपकी बात को ना आपकी बात को मैं इस ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अपने में एक शब्द भी आ गया। हाँ, एक दो रूपों में किस प्रकार से उसका हाँ और वो भी हाँ संदर्भ भी दे दिया। और मैं आपकी बात को अपने समर्थन में लेना चाहता हूँ कि इसी तरह से हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है कि हम शब्दों को चुने और उनका जो है वो
इस तरह से उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण दें, तर्कसंगत हो, ऐसे नहीं कि निश्चित रूप से हवा में नहीं चलाना है हमें, लेकिन तर्कसंगत हो, युक्ति संगत हो, शास्त्र सम्मत हो, ऐसे उपयोग हमें करके दिखाने होंगे और फिर उसके बाद उनका जो है कार्यशाला देखते हैं। तो चलिए आज की इस बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए, हालांकि ये एक ऐसा विचार था जिसमें एक दूसरे की बात को समझना थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन हर नए विचार के साथ इस तरह की कठिनाइयां तो आती ही हैं कि जहां पर भाषा से परिचित होने के बावजूद हम विचार को सीधे सीधे जो है एक दूसरे से संप्रेषित नहीं कर पाते और अपने आधार भूमि समान होने पे भी बड़ी कठिनाई होती है कि हम एक दूसरे की बात को पूरे रूप में समझ पाए। लेकिन ये प्रयास इसीलिए है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है, ये आधार जो हम आज हमने रखी है, आधार की स्थापना करने की कोशिश की है, वो इसीलिए है कि हम एक दूसरे के शब्दों से, भावों से, विचारों से और जो लक्ष्य है उससे हम एक दूसरे से परिचित हो सकें। तो आप सबके सहयोग के लिए और समर्थन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और निश्चित रूप से इसके बाद हम जल्दी दोबारा एक और इसके ऊपर परिचर्चा रखेंगे। मैं फॉर्म साझा कर दूंगा, उस फॉर्म में आप जो देंगे फिर उसके ऊपर हम एक द्वितीय जो कार्यशाला है वो हम आयोजित करेंगे और फिर उसके बाद इसके जो भी संभव होगा एक पुस्तिका के रूप में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। और अब क्योंकि 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं प्रयास करूंगा कि उससे पहले एक चर्चा जो है वो हम लोग कर सकें राम के ऊपर, राम तत्व के ऊपर और राम के जो संस्कृति है, रामायण की जो संस्कृति है, राम की जो संस्कृति है, उस पर हम एक चर्चा रख सकें और फिर उसके बाद इसका द्वितीय भाग जो कार्यशाला का है उसको हम लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय श्री राम, जय धन्यवाद।